यस फ्रेंड्स, तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. फॉलोइंग आर द इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ मूनलाइट लिमिटेड. ठीक है, मूनलाइट ट्रेडर, द फॉलोइंग बैलेंस अवेलेबल. अब इसमें क्या है, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है. गौर से देखें, जैसे बैलेंस शीट है तो ओपनिंग बैलेंस में डेटर नहीं दिया, क्लोजिंग बैलेंस में क्रेडिटर नहीं दिया, फिर ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया, बैंक का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया. तो इसका मतलब है कि ये आप जब पूरा क्वेश्चन कर लेंगे तब कहीं से कोई बैलेंसिंग फिगर्स निकलेगी. तो फ्रेंड्स, इसमें आपको काफ़ी कुछ लर्निंग और सीखने का मिलेगा. यस, कंप्लीट क्वेश्चन है तो आपको पता है कि सबसे पहले, और ये कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हैं. तो जो कंप्लीट क्वेश्चन होते हैं कन्वर्जन वाले मेथड्स के, इसके लिए हम क्या करते हैं, सब जो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है वो हम पहले बना लेते हैं, उसके बाद बाकी के एडजस्टमेंट्स हम बैक में करते हैं. ठीक है जी, वर्किंग नोट्स में. सो हम लिखेंगे ट्रेडिंग एंड पीएनएल ऑफ मूनलाइट ट्रेडर्स. थोड़ा बड़ा ही बना लें. ठीक है जी, और इसके बाद इसके नीचे बनाएं बैलेंस शीट. कब कब बना रहे हैं बैलेंस शीट? 31 मार्च 2014. ठीक है, ये हमारी 31 मार्च 2014 की बैलेंस शीट बन गई. अब इसके पीछे हमारी डेटर, क्रेडिटर्स और बैंक अकाउंट्स जो बनते हैं वो बनाएं. तो एक बनाएं बैंक अकाउंट. एक बनाएं डेटर अकाउंट्स. और फिर इसके नीचे बनेगा हमारा क्रेडिटर अकाउंट. ठीक है, डेटर क्रेडिटर के बाद एक हमें ज़रूरत पड़ती है ओपनिंग बैलेंस शीट की. तो उसकी वो बना ले, हम वो अगले पेज पे बना लेंगे. ठीक है, और इसके बाद जो वर्किंग नोट्स होंगे वो बनेंगे. ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़ते जाएं और उसके डबल इफेक्ट देते जाएं. क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व होगा. लेट मी टेल यू हाउ. सबसे पहला जो स्टेप्स है वो ओपनिंग बैलेंसेस हैं. तो जो ओपनिंग बैलेंसेस दिए हैं उनको लिखें, ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखें और उसको रेलेवेंट जगह लिखें. ठीक है, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, तो लिखें.
लैंड एंड बिल्डिंग, पांच लाख की, प्लांट एंड मशीनरी कितने की है, 2,20,000 की, और ऑफिस इक्विपमेंट है 1,05,000। नॉर्मली अगर इनके कोई एडजस्टमेंट नहीं दिए होते हैं तो ये सीधे हम इनर कॉलम में बैलेंस शीट में लेते हैं। इसके बाद डेटर्स है बट ये नहीं पता कितना है, तो अभी लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क है इस पर। इसके बाद है हमारे क्रेडिटर फॉर परचेज एंड क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस। तो क्रेडिटर जो हमारे परचेज के हैं वो 95,000 के हैं, और एक तरह से क्रेडिटर और एक्सपेंसेस का मतलब है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो हमारे 20,000 के हैं। फिर है स्टॉक, अच्छा स्टॉक के बारे में भी नहीं दिया है, स्टॉक क्वेश्चन मार्क है। फिर है बैंक लोन SBI का 12%, तो 12% SBI लोन, ये आपका हो गया 1,25,000 का। और पढ़ें, बैंक का बैलेंस दिया है, अच्छी बात है, बैंक का बैलेंस 25,000 रुपया, और प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है 35,000। ठीक है, अब आपने देखा जब मेरे डेटर्स और ये दिया ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये जो बैलेंस शीट मैं बना रहा हूँ इसमें अभी ये सब फिगरें आएंगी, अभी नहीं निकलेंगी। चलिए, तो जो जो हमें दिया है उसके बेसिस पर कर लें। नीचे क्वेश्चन में इन्होंने बताया एक मशीनरी और एक फर्नीचर ऑफिस इक्विपमेंट बेचा है और लोन रिपे भी कर दिया है। चलिए, ये तीन एडजस्टमेंट दिए हैं, कोई बात नहीं। अब जो जो ट्रांजेक्शन्स दिए हैं पहले उन ट्रांजेक्शन की प्लेसिंग कर लें, ये तो करना ही है, इसमें तो कोई रोकने की बात ही नहीं है। तो एक एक करके करते जाएं, जैसे लिखा है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। अब कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स में आपका बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस तो दिया ही है कि नहीं दिया है, 25,000। तो आप यहाँ पे लिख दें ओपनिंग बैलेंस 25,000। अब एक एक ट्रांजेक्शन पढ़ें, कलेक्शन फ्रॉम डेटर है 9,25,000, तो बैंक में रिसीव होगा और डेटर अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ें, पेड टू क्रेडिटर 5,25,000, क्रेडिटर को पे किए तो बैंक में 5,25,000, और यहाँ पर 5,25,000। ठीक है जी, इसके बाद पेड फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस, तो हमने ऑफिस एक्सपेंसेस पे किए और सैलरी भी पे की, कितनी कितनी, ऑफिस एक्सपेंसेस है मेरे 42,000, सैलरी हैं 32,000, सेलिंग एक्सपेंसेस हैं 15,000। चलिए तीनों पे कर दीजिए, 42, 32, 15,000। ठीक है जी, अब जो ऑफिस एक्सपेंसेस हैं इनमें तो आउटस्टैंडिंग के बारे में दिया हुआ है तो वो तो इनर कॉलम में चले जाएंगे और बाकी दोनों चीज़ें आपके आउटर कॉलम में चली जाएंगी। तो ये मेरे ट्रेडिंग के लाइन आइटम्स यहाँ तक आ जाएंगे। यहाँ पे लेता हूँ मैं सैलरी 32,000,
सेलिंग एक्सपेंसेस 15,000, ऑफिस एक्सपेंसेस इनर कॉलम में लिख दीजिए 42,000 के, ठीक है जी। चलिए आगे पढ़ें, कैश सेल लिखा है 2,50,000, और क्रेडिट सेल कुछ नहीं लिखा, बट ये लिख दिया 80% ऑफ द टोटल सेल है। अब ये आपकी वर्किंग नोट का पार्ट है, कैश सेल कैश सेल यहां पे आ जाएगी 2,50,000। और अब पीछे थोड़ा वर्किंग नोट में चले जाएं और बनाएं इसको। गिवन है क्रेडिट सेल 80% ऑफ टोटल सेल है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो कैश सेल होगी वो कितनी होगी, दैट इज ये 2,50,000 है, ये 20% ऑफ टोटल सेल है। तो टोटल सेल कितनी हुई, 80% 10,00,000 रुपया। तो ये दोनों चीज़ें कहाँ कहाँ प्लेस होनी है, एक तो डेटर में, तो डेटर में लिख दीजिए 2, यहाँ पर टोटल सेल आएगी, ठीक है जी। चलिए अब कैश परचेज है 40% ऑफ द टोटल परचेज, क्रेडिट परचेज दे रखा है 5,40,000, तो ये वर्किंग नोट 2 आ जाएगा हमारा। गिवन है क्रेडिट परचेज है 5,40,000, ये भी गिवन है कि जो कैश परचेज है वो कितनी है, 40% ऑफ टोटल परचेज, इसका मतलब क्या निकलता है, जो क्रेडिट परचेज होगी वो कितनी होगी, 60% ऑफ दी टोटल परचेज, दैट इज ये गिवन है वो हमारी 60% ऑफ टोटल परचेज हुई। तो टोटल परचेज कितनी हुई, 5,40,000 का 60% से डिवाइड कर दें तो ये 9,00,000 होता है। इससे हमारी कैश परचेज निकल आएगी 40%, यानी कि 3,60,000। अब कैश परचेज एक तो हमें कैश बुक में दिखानी है, और दूसरा हमें टोटल परचेज आपको ट्रेडिंग पीएल में दिखानी है। इसको वर्किंग नोट 1 ले लीजिए, इसको वर्किंग नोट 2 ले लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये तो बच्चों के चीज़ हैं, आपको पता है कहाँ कहाँ जाने हैं। डिस्काउंट अलाउड एक तो ट्रेडिंग पीएल में जाएगा, और डिस्काउंट रिसीव्ड और दूसरा इंपैक्ट जाएगा इसका
डेटर्स के एंटर में, डेटर्स में फॉर 5500 है और डिस्काउंट इसके बाद नीचे इन्होंने लिखा था ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन एट कॉस्ट प्लस 25%, वो अभी हम करेंगे। बैड डेट्स है 2% ऑफ द क्लोजिंग डेटर्स, डेप्रिसिएशन इतना प्रोवाइड करना है, ठीक है। चलिए आगे इंफॉर्मेशन जो दी है उनको लिख लें। लैंड एंड बिल्डिंग में, लैंड एंड बिल्डिंग का क्लोजिंग बैलेंस हमारा 5 लाख ही है, तो वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग इनर कॉलम में 5 लाख किया, ठीक है। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 2,20,000 था, फिर 3,30 हो गया। इसके लिए हम एक अकाउंट बना लेंगे, उससे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। बजाय इसको कि हम इसमें रखें, हम एक अकाउंट बनाते हैं। ये हमने एक प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना लिया, ओपनिंग बैलेंस हमारा है 2,20,000 का, क्लोजिंग बैलेंस हमारा हो जाएगा 3,30,000 का। अब क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। क्वेश्चन में लिखा है कि 1 अक्टूबर 2013 को हमने 40,000 का जो मशीनरी थी उसे बेच दी हमने, कितने पे बेची, एट अ लॉस ऑफ 15,000 रुपीज, ठीक है। और नई मशीनरी हमने खरीदी है 1 जनवरी 2014 को, अच्छा। ऑफिस इक्विपमेंट के बारे में लिखा है कि हमने 1 अप्रैल 2014 को ही हमने उन्हें बेच दिया। चलिए करते हैं इस पर वर्किंग पूरी प्रॉपर तरीके से। अब जो हमारा पहले प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड हुई है उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू 1 अप्रैल 2013 को कितनी थी, 40,000। तो डेप लगाएं 6 मंथ का 10% से, ये आता है 2,000 रुपये। तो रिटर्न डाउन वैल्यू 1 अक्टूबर 2013 को होगी 38,000। लॉस ऑन सेल क्वेश्चन में दिया है 15,000 है, इसका मतलब है सेल वैल्यू कितनी हुई, 23,000 रुपया। सो यहाँ पर लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड 2,000, बाय बैंक 23,000 और बाय लॉस ऑन सेल 15,000। इसका बेनिफिट ये होगा, ये 3,70,000 हो गया, 3,70,000 है। ये सारी ट्रांजेक्शन हमने की है 1 अक्टूबर को, और 1 जनवरी 2014 को जो नई मशीनरी है वो हमने खरीद ली है, टू बैंक 1,50,000, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके इम्पैक्ट जो बैंक अकाउंट्स हैं उनमें प्लेस कर दें।
1 जनवरी 2014 को प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट्स में ऐड करोगे कितना, 1,50,000, और 1 अक्टूबर 2013 को टू प्लांट एंड मशीनरी से हमें मिलेगा 23,000 रुपया बेचने पर। पी एंड एल के इम्पैक्ट भी ले लें, टू डेप्रिसिएशन ऑन जो प्लांट एंड मशीनरी बेची है उस पर 2,000, टू लॉस ऑन सेल प्लांट एंड मशीनरी पे वो 15,000। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया। यस, अब लैंडेड बिल्डिंग पे तो बड़ा सिंपल था, ऑफिस इक्विपमेंट में इन्होंने बोला 15% टैप लगाना है, तो करते हैं उसे भी। प्लांट एंड मशीनरी वर्किंग नोट 4 आ जाएगा, 3,30,000। इसका डेप्रिसिएशन अभी निकालेंगे, इसका डेप्रिसिएशन तो सिंपल है, 5% से ये 25,000 आएगा। ठीक है जी, ऑफिस इक्विपमेंट में देखें, ऑफिस इक्विपमेंट था कितने का आपका, 1,05,000 का था, बेचा हमने कितने में, 85,000 का बचा है। तो एक काम करते हैं, एक ऑफिस इक्विपमेंट और बना लेते हैं। एक अप्रैल 13 को ओपनिंग बैलेंस है 1,05,000। पढ़िए क्या लिखा है इन्होंने, इन्होंने लिखा है कि ऑफिस इक्विपमेंट सोल्ड एट बुक वैल्यू, यानी कि इसी प्राइस पे बेच दिया है। 31 मार्च 14 को क्लोजिंग बैलेंस है 85,000, लॉस हाउस कुछ हुआ नहीं है। इसका मतलब है कि इन्होंने सेल कर दिया एट बुक वैल्यू, और वो भी कर दिया 1 अप्रैल 13 में ही 20,000 रुपये में। ठीक है, तो बैंक अकाउंट्स में ये आ जाएगा हमारा 1 अप्रैल 13 में टू ऑफिस इक्विपमेंट 20,000। ठीक है, अब इस पर डेप और कर लें प्लांट एंड मशीनरी पे। चलिए, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी वर्किंग नोट में 4, ये 1,50,000 की है, ये 1 जनवरी 14 को खरीदी है, तो इस पे तो 10% से 3 महीने का आएगा 3,750, और बाकी जो मशीनरी बची है वो 1,80,000 की, तो इस पे 18,000, तो इस पे जो डेप्रिसिएशन आएगा वो 21,750 आएगा। 21,750 ऑफिस इक्विपमेंट 85,000 है, इस पर डेप्रिसिएशन ले लीजिए 15% से कितना, 12,750, तो ये आएगा 4,75,000, ये 3,08,250, और ये 72,250, इनको प्लेस करते हैं यहाँ पे। लैंड एंड बिल्डिंग 25,000, प्लांट एंड मशीनरी 21,750, ऑफिस इक्विपमेंट 12,750। ठीक है, यस,
अब इन्होंने लिखा था लोन रिपे कर दिया टुगेदर विद इंटरेस्ट, तो लोन था कितने का आपके पास? लोन था 12% से, तो एक तो इंटरेस्ट पे किया इस पर आपने, ठीक है। सो कैश एंड बैंक में 31 मार्च 2014 को बाय 12% SBI लोन 125,000 बाय इंटरेस्ट ऑन SBI लोन ये 15,000। इंटरेस्ट ऑन SBI लोन P&L का पार्ट है, तो इंटरेस्ट ऑन SBI लोन ये 15,000 रुपये आ गए, ठीक है जी। ओके फ्रेंड्स, एक बार पूरा ऊपर से नीचे तक देख लें, जो जो एडजस्टमेंट रह गए हैं उनको अभी रोक लेते हैं। कलेक्शन फ्रॉम डेटर कर दिया, क्रेडिटर से पेमेंट परचेज कर दी, ऑफिस एक्सपेंसेस के पेमेंट कर दिए, सैलरी पे कर दी, सेलिंग एक्सपेंसेस, कैश सेल, क्रेडिट परचेज, कैश परचेज, डिस्काउंट अलाउड, रिसीट, बैड डेट्स रह गए, डेटर्स पे निकालेंगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर चुके, प्लांट एंड मशीनरी के जो एडजस्टमेंट हैं वो कर दिए, ऑफिस इक्विपमेंट कर दिए, लोन रिपे कर दिया, वेरी गुड। अब जो क्लोजिंग बैलेंसेज हैं उन्हें लिखें, ठीक है, ओके। और इसके साथ साथ हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे। पहले डेटर्स का बैलेंस लिखें, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है? डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 225,000। जब हम 225,000 डेटर्स का बैलेंस यहाँ लिखते हैं तो इस पर इसका टोटल आता है 11,55,500। तो यहाँ जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है 155,500, ये क्या कहलाएगी? यस, ओपनिंग बैलेंस। और जब ये ओपनिंग बैलेंस होगा तो ये कहाँ जाएगा हमारा? ओपनिंग बैलेंस शीट्स में, ठीक है जी। अब डेटर्स का हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हमें दे रखा है कितना? 65,000। सो यहाँ लिख दें क्लोजिंग स्टॉक है 65,000। सो क्लोजिंग है 65,000, डेटर का बैलेंस था 225,000, इन्होंने कहा 2% बैड डेट्स जाएंगे इस पर, तो यहाँ पर बैलेंस 220,500 आएगा। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन याद रखनी पड़ती है जो क्वेश्चन में आ जाती है। अब क्वेश्चन में ये वाला पार्ट पढ़िए, क्या लिखा है? ग्रॉस प्रॉफिट है कॉस्ट प्लस 25% लिखा है, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कॉस्ट प्लस 25% है, ये हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट नोट आ गया। ये वर्किंग नोट 3 बना रहे हैं हम अलग कलर में, ग्रॉस प्रॉफिट है कॉस्ट प्लस 25%, इसको हम कर सकते हैं दैट इज 20% ऑन सेल। सेल हमें है 12,50,000 की, सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगी सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि 10,00,000। नाउ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू होता है
ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, तो यानी कि 10 लाख इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक हमें दिया नहीं था, परचेज हमारी थी 9 लाख की और क्लोजिंग है 65,000 का. सो ओपनिंग स्टॉक इससे कितना निकलेगा, 1,65,000 का, ठीक है. और ये 1,65,000 का जो ओपनिंग स्टॉक है ये हमारा कहाँ प्लेस होगा, यहाँ पर वर्किंग नोट 3 में, और इसके साथ साथ ये प्लेस होगा हमारा यहाँ पर भी. ठीक है, ये अब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा 2,50,000. यहाँ पर आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 2,50,000. ठीक है, अब इसको बैलेंस करते हैं, इसमें और एडजस्टमेंट देख लें, कुछ बच तो नहीं रहे. एक एक करके सब देखना होता है. अब डेटर की ओपनिंग आ गई, क्रेडिटर फॉर परचेज की क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिए है, तो क्रेडिटर्स क्रेडिट परचेज हमारी निकल आई थी, क्रेडिट परचेज आई थी 5,40,000 की और ओपनिंग बैलेंस दे रखा था हमारा क्रेडिटर का. देखो गौर से, ओपनिंग बैलेंस जो क्रेडिटर का दे रखा था वो 95,000 रुपीस. जब इसको करेंगे हम बैलेंस तो ये आएगा 6,35,000, तो ये आएगा 1,05,500. ये क्या होगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिटर्स का. ठीक है जी, सो क्रेडिटर का अब आप क्लोजिंग बैलेंस लिख दें. डन, आगे बढ़े. क्रेडिटर फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस हमारे हैं 15,000. अच्छा, ओ हो, ये तो मैं ध्यान ही नहीं दिया. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये हमारे हैं 15,000. अच्छा, SBI का लोन हमने पूरा नहीं पे किया, 1,25,000 में से 1,00,000 तो अभी भी है, तो हमने 25,000 ही पे किया है, ध्यान रखिए इसे. तो जो हम ये 1,25,000 पे कर दिए हैं, 1,25,000 पे ना होके कितना होगा, ओनली 1,00,000 रुपीस. ओनली 25,000 ये हमारे पे होंगे. सो बैलेंस शीट में 12% SBI लोन, अब जो बचा वो 1,00,000 का बचा. डन, बैंक का बैलेंस निकाल रहे हैं, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हमारा होगा 30,000. इसका सिंपल तरीका है, पुराना प्रोविजन आप पे कर दीजिए और नया प्रोविजन आप बना लीजिए, या इसका एक अकाउंट बना लीजिए, जैसे भी करना है, बेटर है हम एक अकाउंट बना लीजिए. सो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का यहाँ पर एक अकाउंट बना लेता हूँ. ओपनिंग बैलेंस हमारा है 35,000 का,
क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया है वह है 30,000 का। अब हम ये देखते हैं कि प्रोविजन हमारा बन कितने का रहा है, उसके बेसिस पर हम, तो यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ठीक है जी, ओके। सो चलिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 15,000 की है और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 20,000 के, इसके इम्पैक्ट दे दें तो ये हमारा आता है 37,000 रुपीस। ठीक है, इस तरफ का टोटल है 2,54,500, 2,54,500। चलिए यहाँ का टोटल करें तो ये हो जाएगा 15, देखिए ये हो गया 10,000, 185,500 करेंगे तो इसमें से 185,500 माइनस करो 254 में से, तो 69,000 आया। तो प्रोविजन फॉर टैक्स 69,000 का 30% बना लीजिए, यह आएगा 20,700। तो नेट प्रॉफिट जो आया वो 48,300 आया। ठीक है जी, सबसे नीचे आपका प्रोविजन फॉर टैक्स था, प्रोविजन मेड हुआ है 20,700 का, तो इसका मतलब है टैक्स पेड किया हमने 25,700। तो बाय प्रोविजन फॉर टैक्स 25,700 ये हमने कैश एंड बैंक में दे दिया पेड। आप एक तरफ से सारे लेजर अकाउंट्स को चेक करते जाओ एक, और अगर कहीं कुछ बैलेंसिंग है देख लो। सबसे लास्ट पेज से चलते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स डन डन, इक्विपमेंट ऑफिस इक्विपमेंट डन डन, प्लांट एंड मशीन भी डन। ठीक है, इसके बाद अब आया ओपनिंग बैलेंस शीट। सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस शीट निकाल लें कि हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में बैलेंस कितना आ रहा है। एसेट साइड का टोटल करें कितना आ रहा है, ये 7,70,000, 8,85,875 ठीक है, 9,00,000, 10,00,000, 11,00,000 एंड 8,50,000 और 3,00,000, सो 11,50,000, तो यह 11,70,500। ठीक है जी, अब इसको ज़रा माइनस करें, ये है 1,95,130,150, तो ये बैलेंसिंग फिगर आएगी 8,95,500। ये क्या बना हमारा कैपिटल, कैपिटल आ गया। अब डेटर क्रेडिटर में जाइए, क्रेडिटर हो गया, डेटर हो गया, बैंक का बैलेंस बचा है,
बैंक का बैलेंस निकालें, यहाँ पर टोटल आ रहा है 250 950, 12 लाख, 12,43,000, 12,43,000। यहां पर बैलेंस आएगा 53,300, ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया किसका, बैंक का क्लोजिंग बैलेंस हो गया। अब इसका भी टोटल हो गया, तो यहाँ पर लिखें बैंक का क्लोजिंग बैलेंस हाउ मच, 53,300, ठीक है। कैपिटल है हमारी 8,95,500, नेट प्रॉफिट आया इसमें 48,300। तो ये हो गया हमारा 9,43,800, ओके। अच्छा 1,05,000 ये, 30,000 ये, 15,000 ये, 1,00,000 ये, तो इस तरफ का टोटल आ रहा है 1,94,300, ठीक है। इस तरफ का भी देख लें 407 78 72 debtors, यस। तो इसका भी टोटल आ रहा है हमारा 11,94,300, ओके। सो फ्रेंड्स, अगर आप देखें गौर से, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जो हमने अभी कंप्लीट किया है। थोड़ा लेंदी था, इसलिए मैं एक बार रिकमेंड करूँगा कि इसको दोबारा देखें। थैंक यू वेरी मच।